होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में एक छोटी सी थिंक टैंक है दैट फोरकास्ट्स पोटेंशियल जेनोसाइड्स कि मैस किलिंग्स कहाँ होंगे। तो पिछले 3 साल से उनका प्रिडिक्शन है दैट द कंट्री मोस्ट लाइक जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे है? अमेरिका के थिंक टैंक ने पाकिस्तान के बारे में ऐसी प्रिडिक्शन की है 2023 पर कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उन्होंने ये प्रिडिक्शन किया है कि 2023 में पाकिस्तान में सिविल वॉर या जनसंहार होने के चांसेस है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही और पाकिस्तान में आतंकी हमले भी हो रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट हो सकता है और जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। तो पाक मीडिया आज इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। बिलावल को सुनने का मौका मिला अटलांटिक में, तो वहां पे वो बात कुछ और कर रहे थे, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए थे, सारे थिंक टैंक्स के लोग थे, यूनिवर्सिटीज के लोग थे, और वो सवाल कुछ और कर रहे थे। उनका बात ये थी, हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ट्रेड, एड, लोन्स, हमें फ्लड से निकलना है, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि भाई वो तो टीडीपी वाले बनू में आके बैठ गए हैं, वहां पे ये हो गया है, इस्लामाबाद में इस तरह हो रहा है। आप क्या समझते हैं, हाउ पाकिस्तान्स काउंटर टेररिज्म गेन्स जो के रिवर्स हो रहे हैं, उसको हाउ द वॉशिंगटन एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड लुक? देखिए, ये जो स्टेटमेंट बिलावल ने किया था ना कि बिन लादेन इज डेड, उसके 2 दिन के बाद ये हादसा, मुझे लगता है कि अल्लाह अल्लामिया की तरफ से तमाचा मारा है मुंह पर कि क्या तुम टेररिज्म खत्म होने की बात कर रहे, कि क्या मतलब ये था कि टेररिज्म खत्म हो गया पाकिस्तान में बिन लादेन के मरने से? नहीं हुआ ना, यू आर हैविंग इट इवन टुडे, सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि टीटीपी का तो वार्निंग्स ये बढ़ रही हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कॉल द होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम, तो होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में एक छोटी सी थिंक टैंक है दैट फोरकास्ट्स पोटेंशियल जेनोसाइड्स कि मैस किलिंग्स कहाँ होंगे। तो पिछले 3 साल से उनका प्रिडिक्शन है दैट द कंट्री मोस्ट लाइकली टू हैव ए मैस किलिंग इज पाकिस्तान। पिछले 3 साल से आप उसको गूगल कर लें, इट इज इन नवंबर में वो रिपोर्ट आई है, इट्स पब्लिश्ड बाय, मैंने उनको इनवाइट किया है मेरे शो पे, वो अभी तक जवाब नहीं है, मेरे ख्याल से हॉलीडे सीजन में है उनके स्कॉलर्स, अगर वो मुझे 1-2 हफ्ते तक नहीं कहे तो आई विल डू अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 12 से 15% चांसेस है कि पाकिस्तान में 2023 में मैस किलिंग्स होंगे। सो दैट इज वेरी स्केरी, मतलब के रिपीटेडली पिछले 3 साल से ये चीज आ रही है, सो दे आर ऑब्वियसली टेकिंग इन टू फैक्टर के जो वायलेंट एपिसोड्स हुए हैं पिछले 2-3 साल में, राइट? आपको पता है कि ये जो जो बॉर्डर का हादसा हुआ जब तालिबान ने मॉर्टर फायर किए पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस और 6-7 लोग सिविलियंस मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आई थिंक राणा सनाउल्लाह है शायद उनका नाम, उन्होंने कहा कि दे हैव अपोलोजाइज एज फार एज वी आर कंसर्न द मैटर इज क्लोज, और फिर उसके 2 दिन के बाद फिर से दोबारा तालिबान ने मारा लोगों को बॉर्डर पर। वो बेसिकली तालिबान इज स्टॉपिंग पाकिस्तानीज फ्रॉम बिल्डिंग द फेंस, वो जो फेंस बना रहे हैं डुरैंड लाइन पर, तो जब भी वहां पे कुछ एक्टिविटी होती है वहां पे तालिबान अटैक कर रहे हैं। सो ये द प्रॉब्लम इज के एक्सट्रीमिज्म और पॉलिटिकल वायलेंस मुसलसिल चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, बढ़ गया है और आपकी गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही, एंड नॉट एक्नॉलेजिंग दैट मीन्स दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। बड़ी तकलीफ दे बात, और ये दहशतगर्दी इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच रही है? कि हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे हैं या जिनका काम है लोगों को खतरात से आगाह करना, खतरात को रोकना, हफाजत करना, वो क्या कर रहे हैं? जब आपके वफाकी दारुल हुकूमत तक रसाई हो गई दहशतगर्दों की, तो फिर पीछे क्या रह गया? मंशियात फरोशों की रसाई तो ऑलरेडी है,
और क्या ये जो सेफ सिटी बनाया था वो सेफ सिटी का चक्कर किधर गया? सेफ तो नहीं रहा, आपने सेफ सिटी बनाया, क्या वो सेफ सिटी के नाम पर पैसे खाए गए थे? लोगों की जिंदगियों का एहसास है हमारे ये जो अदारे हैं उनको, जिनका काम है हिफाजत करना? और दहशतगर्दी देखिए कहीं से चलता है, कितने शहर गुजरता है, कितनी सड़कों से गुजरता है, फिर यहाँ पहुँचता है, तो ये हमारे इदारे उसके ठिकाने तक क्यों नहीं पहुँच पाते? कहीं ना कहीं तो वो खुदकुश बम जो है वो तैयार हुआ, कहीं वो बांधे गए, कहीं वो जैकेट तैयार हुई, तो वो जो जैकेट का मरकज है वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? सही, वैसे तो ये कहते हैं हम कुएं से भी निकाल लेते हैं बंदे। जी जी बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में मसरूफियात और हैं इसलिए ना वो सारे ऑडियो वीडियोस में मसरूफ हैं, तो इधर असल काम जो है उधर थोड़ा तवज्जो कम है, वो ऑडियो वीडियो आ जाए ना पहले, उनसे एंजॉय कराएं काम को। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि अमेरिका में थिंक टैंक ने ये प्रेडिक्शन किया है कि 2023 में पाकिस्तान में जनसंहार होने के चांसेस है, या पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी हमले और पाकिस्तान के जो भी हालात है उसके लिए। तो पाकिस्तान में लोग हर दिन ही तो मारे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में मारे जाते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, और ये इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा। पाकिस्तानी आर्मी किन चीज़ों में बिजी है ये आपको पता ही होगा, और पाक मीडिया ने कहा कि तालिबान जो पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी उनसे बातचीत करने की भीख मांग रही है और उनका सामना तक नहीं कर पा रही। और अफगान तालिबान ने जो पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया ड्यूरन लाइन पे, उस पे पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने खुद कहा कि अफगान तालिबान ने हमारे कुछ लोगों को मार दिया है, और फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा कि ये सब गलती से हो गया तो हम ये सब भूल गए हैं। तो पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करेगा और ऐसी कमजोरी करेगा तो अफगान तालिबान फिर से आएंगे, फिर से पाकिस्तान को लाफा मारेंगे और फिर से कहेंगे कि सॉरी, और पाकिस्तान भी डूम दबा के भाग के कहेगा कि उन्होंने तो सॉरी बोल दिया है, तो मामला यहाँ पे ख़त्म। तो पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करेगा तो पाकिस्तान के अंदर हमले ख़त्म होंगे नहीं, और पाकिस्तान में ऐसे ही हमले होते रहेंगे और लोग मारे जाते रहेंगे। तो ये जो जनसंहार की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसे तो हर महीने बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो जनसंहार मतलब कि कोई उन्होंने अगर नंबर दिया हो तो वो पाक मीडिया ने नहीं बोला। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बिलावल पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं, कि बिलावल फॉरेन मिनिस्टर सिर्फ इसीलिए बनाए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए अमेरिका से भीख मांग सके। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।